आइए आज मैं आपको रूबरू कराता हूँ एक ऐसे भ्रष्टाचार से जहाँ पे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माने जाने वाले कोरवा परिवार की गरीबी और अनपढ़ता का फायदा उठाकर सरपंच किस तरह इंदिरा आवास योजना में अपनी जेबें भर रहे हैं। कहाँ जो तुर इंदिरा आवास जो तुर घर जहाँ बैठे हंसते हैं पीछे जो इंदिरा आवास नया मकान दिखत है एक बार कितना स्वीकृत हो रही स्वीकृत हो तो रहे थे 45 की 48 इसने कर हो। अच्छा तो कितना तो के पैसा मिल गया सभी? पैसा 1 करोड़ रुपया नहीं मिली से हमको। तो जो घर बनाना रही इंदिरा आवास ये टाइम तो स्वीकृति है 2009-10 में वो टाइम ईटा से बनवाना रही पक्का ईटा से लेकिन तुर जो घर है वो कच्चा मिट्टी कर दिखत है काहे ऐसा करे? वो सरपंच है मन कहे देहिन कि कच्चा ईटा का इसन मिट्टी कर बना बाद में ते वहां इसन फेर लेबे कहिन। तो ये मिट्टी उठाए मिट्टी में लेबर भी लगिन होई एला बनाए में वो लेबर वगैरह कर पैसा देहिस? कहीं नहीं देहिस है को वो पैसा देले नहीं है तो कहां कर पैसा दे। ये जो खपड़ा छानी और ये लकड़ी लगी से दरवाजा लगी से एकर कुछ पैसा नहीं दी से लकड़ी सब मोरे हवे कटरेशन खपड़ा मोरे हवे। तो तय कभी गए रहे सरपंच जग पैसा ले गए रहे लेकिन वही देबे नहीं करी से ले जे रहे बिलासपुर में पोस्ट ऑफिस में गए रहे पैसा निकाले पर तो का होइस तो आए तो आए कि से लेकिन वो देबे नहीं करी फिर के बाद में देखल जाए पता लगाए ली फिर। तोरे जो इंदिरा आवास पास हुई स्वीकृत हुई इंदिरा आवास हाँ। तो तोला कैसे पता चलिस कि इंदिरा आवास मके मिली से? मैं ही वो सरपंच से मन बताई ना मन ला कि तुमन कर इंदिरा आवास खुल निकली से है तो तुमन जाई हो एक दिन मोर जा के कहां वो गए ना सरपंच जा। तो के कुछ भी 1 रुपया नहीं देस? 1 करोड़ रुपया नहीं के दे। इस वीडियो को देखने वाले साथियों से मेरी अपील है कि बतौली विकासखंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नानसाय को फ़ोन करें और संतोष को पैसा दिलाने की अपील करें। उनका मोबाइल नंबर है 9425768067। मैं प्रकाश गुप्ता सरगुजा छत्तीसगढ़ से इंडियन हार्ट के लिए।